वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। नंबर लाना है जबरदस्त तो पढ़ाई का तरीका भी होना चाहिए मस्त। आपको आपके एग्जाम के लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा और जबरदस्त तरीका से और मस्ती के साथ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ 10.1 क्लास 10th का ये जो टॉपिक है बहुत मजेदार है और गौर से समझिएगा। आप वृत्त तो देखे होंगे सर्कल, यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी अगर एक सर्कल है वृत्त है तो उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं गुजर सकती है, सट के निकल सकता है। स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट बोला जाता है। मान लीजिए कि एक वृत्त दिख रहा है और एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा सट के निकल सकती है, तो बहुत सारा निकल सकता है। वहां एक सर्कल मान लेते हैं हम और इससे स्पर्श रेखा पूछा जा रहा है कितनी हो सकती है, भाई कितनी क्या। यहां पे देखिए तो बहुत सारे स्पर्श रेखा सट सट के कितना। स्पर्श का मतलब होता है कि एक वृत्त के किसी एक हिस्से से यहां से सट करके ऐसे निकल जाए, मात्र एक पॉइंट पर वो सटता है, एक पॉइंट पर कहीं सट के और निकल जाए। ऐसे बनाने में दिखता है कि यहां से लेकर के यहां तक सटा है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। सर्कल एक मान लीजिए है तो पूछा जाएगा आपको यहाँ पे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनंत रेखाएं हो सकती है। बहुत सारा स्पर्श होकर के वहां से एक पॉइंट से गुजर सकता है, तो यहाँ पे आप अनंत इन्फिनाइट लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, इन्फिनाइट यानी कि अनंत। आप खुद देखिए ना, यहाँ भी स्पर्श करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी, बहुत सारा स्पर्श एक जगह करेगा, ठीक है, सट सट के निकल जा रहा है कि नहीं, तो इसी को कहते हैं स्पर्श रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें क्या खींचेगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे डैश बिंदु यानी कि कुछ नहीं है बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आप बताइए कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वृत्त दिख रहा है और वृत्त की अगर स्पर्श रेखा ऐसे स्पर्श करके निकल रही है तो कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, कितने बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, तो मात्र वृत्त के एक ही बिंदु को, यहाँ पे एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। यानी अगर एक स्पर्श रेखा है तो एक बिंदु पर ही सटेगा, तभी तो उसको स्पर्श बोलते हैं। स्पर्श का मतलब वृत्त को आराम से सट करके निकल जाता है, एक बिंदु को टच करता है, यानी एक बिंदु पर स्पर्श होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। अगर कोई लाइन है और ऐसे वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया, ऐसे और ऐसे, तो ऐसे लाइन का बहुत सारा नाम होता है। आप किसी सर्कल में देखे होंगे ऐसे जो लाइन बीचों बीच काट दे, ये भी तो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, एक यहां सटा है और एक यहां सटा है, ठीक है, तो दो बिंदु को काट दे, उस लाइन को व्यास भी कहते हैं। और नहीं तो इस ये भी ऐसे लाइन खींच रहा है ना, तो ये भी वृत्त को यहां पे काटा है और यहां पे, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। इस लाइन को जीवा भी कहते हैं क्योंकि वृत्त को दो बिंदुओं पर काटा है और व्यास भी जो होता है ना, जो वृत्त को एकदम बराबर भागों में तोड़ता है, तो यहां व्यास भी हो सकता है और जीवा भी हो सकता है। यानी कि वृत्त को दो बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद कर रहा है जो लाइन, उस लाइन का क्या नाम है, या तो व्यास नहीं तो जीवा, ही आपका दोनों हो जाएगा। अब देखिए, एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। समानांतर पता है किसको कहते हैं, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन जो ट्रेन के पटरी की तरह यानी बीच में चौड़ाई बराबर हो, कभी ये ऐसे नहीं हो सकता है। बताइए यहाँ चौड़ा है यहाँ पतला है, ये सब समानांतर नहीं होता। समानांतर का मतलब एकदम समान, बीच का अंतर समान हो। तो आप बताइए कि मान लीजिए कि एक वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, सर्कल है, और कह रहा है कि इस वृत्त पर कितनी समानांतर स्पर्श रेखा। तो मान लीजिए कि एक यहां से स्पर्श करके निकल गया, क्या हो गया, निकल गया, दूसरा ये भी निकल गया ऐसे, तो बताइए आपस में ये समानांतर है कि नहीं। अब देखिए, एक इधर से भी समानांतर हो सकता है और एक इधर से भी समानांतर हो सकता है, ये दोनों, और कुछ हो सकता है, यानी कि एक ये और एक ये, मात्र दो स्पर्श रेखा आपस में समानांतर हो सकती हैं, यानी कि दो सामने ऐसे जा सकती हैं। यहाँ पे वही बोला है कि एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितनी, तो मात्र दो समानांतर स्पर्श रेखा, एक हो गया ये और एक हो गया आपका ये, तो दो स्पर्श रेखा, एक समानांतर ऐसे और एक ऐसे। यहां देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, वृत्त तथा उनकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उनकी स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, तो यहां पे जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट का क्या नाम रखेंगे, तो इसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए ये है स्पर्श रेखा और जिस बिंदु को सटा है वो स्पर्श बिंदु है, कौन सा है, स्पर्श बिंदु, तो यहां पर क्या भराएगा, स्पर्श बिंदु, ठीक है, यहां पे भराएगा। एक वृत्त की डैश समानांतर रेखा हो सकती है, दो हो सकती है,
इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक राज की बात बता रहे हैं, गौर से इसको देखिएगा, राज की बात है क्या। किसी भी सर्कल में, एक मान लीजिए कि सर्कल ने वृत्त है, अगर स्पर्श रेखा ऐसे गुजर रहा है तो ये बीच से लाइन हमेशा 90 डिग्री पर ही रहता है, यानी कि जो ये बीच से लाइन आता है इसको त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ये दिमाग में बैठा लो, बहुत सारा ये एक थ्योरम भी है, साबित करना है कि जहां स्पर्श रेखा यानी सट के जो ये निकल रहा है ना स्पर्श होके, और ऊपर से जो लाइन है क्या 90 डिग्री होता है, लंब होता है। ये 10.1 थ्योरम आपको बताएंगे भी, समझाएंगे भी, पहले ये समझ लीजिए। कहीं से भी गुजरेगा तो अगर बीच से जाएगा यहाँ पे तो कितना डिग्री, 90। अगर यहाँ से गुजर रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनता है। याद रखिएगा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या द्वारा खींचा गया यहाँ पे लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखिएगा, उसके बाद से ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई है। ऑप्शन यहां पे 4 आपको दिया है, आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया तो देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या तो आपको पता है किसे कहते हैं, ये बीच से, सेंटर से, और ये साइड वाला जो बाउंड्री घिरा है ना, इस बाउंड्री को परिधि कहते हैं। यहां से ये 5 सेंटीमीटर, इसको त्रिज्या बोलेंगे। यहां से जो दूरी होता है ना बाउंड्री का, इसको त्रिज्या बोलते हैं। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का, कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। और ये जो बिंदु है यहाँ P मान लो, और P से एक स्पर्श रेखा इस पर कौन गया है, सट के ऐसे स्पर्श रेखा कहीं गया है, तो बताइए यहाँ स्पर्श हुआ है तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, स्पर्श है गया। और ये बिंदु क्या हो जाता है, Q हो जाता है। फिर ये सेंटर को O माना है, यहाँ क्या केंद्र O, तो केंद्र माने सेंटर हो गया O, और फिर ये O से Q को ऐसे मिला दिया है। अब OQ बराबर कितना दिया है, तो OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। आप बताइए, इसको गौर से देखिए, ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, और 90 डिग्री में ये सबसे बड़ा वाला लाइन है, ठीक है। ये ऐसे बना है, देखिए ऐसे बना है, सबसे बड़ा वाला लाइन 12 है, और ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। अब बोला है कि पी क्यू की लंबाई निकालना है, ये वाला लंबाई। आप खुद आपको फॉर्मूला का ट्रिक बताए थे और कहानी बताए थे यहाँ पे कैसे होता है, कभी भी बड़ा वाला दिया हो और छोटा वाला दिया हो तो सुनिए, बताए थे क्या, ये होता है पाइथागोरस फॉर्मूला। लंब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हम आपको बताए थे। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी लेंथ वाला एल हो जाएगा और ये बेस का स्क्वायर होता है, यानी आप खुद जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों होता है, तो इसका ट्रिक भी हम बताए थे कि अगर ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण समझ लीजिएगा, यहाँ 90 डिग्री है ए बी सी, तो आपको बताया थे कि सबसे बड़ा लाइन है, बड़ी दादागिरी करता है, ये लगता है कि सब इसी का है। तो ये जो कण होता है ना, ये पता है ये दोनों से क्या कहता है, कहता है बड़ी प्यार से कि देख हम तो बहुत ताकतवर है, तुम दोनों से बड़े हैं, तुमको अगर हमारे बराबर आना है ना तो एक काम करो, तुम अपने पावर को दुगुना कर लो, अपने आप को डबल पावर में कर लो, आज तू भी कर लो, और दोनों साथ में मिल के आएगा ना तब हमारे बराबर आएगा, क्योंकि जैसे हमारे पास कोई आता है ना हम अपने ताकत को डबल कर लेते हैं, तो जैसे इसके पास कोई जाएगा तो ये अपने ताकत को क्या कर लिया है, डबल कर लिया। अब ये डबल हो गया, ताकत अपना क्या हो गया, डबल, कर्ण स्क्वायर हो गया। अब ये कहता है कि तू भी अपने ताकत को दोनों डबल कर लो, और दोनों मिल करके आओगे तो हमारे बराबर आओगे। तो यही आता है, लंब अपने ताकत को डबल किया, आधार अपने ताकत को डबल किया, और दोनों जुट के आता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, दोनों का ताकत है अकेले ही कि क्या होता है, बराबर होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यही आपको याद रखना, इसी को पाइथागोरस फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। यहां देखिए कर्ण बड़ा वाला लाइन है OP, OP का स्क्वायर OQ है, बड़ा वाला लाइन है OQ इज इक्वल टू लंब, आपका लंब हो जाएगा क्या, PQ प्लस आधार, आधार है PO चाहे OP का स्क्वायर, ये दिया है आपको 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपको PQ निकालना है, छोड़ दो, PO दिया है आपको 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर तो 144 होता है ना, 144 इज इक्वल टू
पी क्यू का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होता है 25। हमको निकालना है पी क्यू और जिसका वैल्यू निकाला जाता है उसको अकेले रहना पड़ता है। इसको यहीं पे छोड़ो, प्लस में इधर आए तो माइनस में, 144 माइनस 25 और ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ये वाला इधर आ गया। ये माइनस कीजिए, 14 में से जब 5 घटेगा तो 9 होगा और ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा 1 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर का भी कहानी बताए थे, स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा कहानी मत जानिए, बता चुके हैं हम। पी क्यू बराबर क्या आया, अंडर रूट 119 यानी 119 यही आया। तो देखिए ऑप्शन में आपका ये हो जाएगा 119, यहाँ देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मजेदार तरीके से बिना देर किए। इस 4 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट बना देना है। एक वृत्त खींचिए, चलिए भाई मैंने वृत्त खींच लिया एक, ठीक है, और वृत्त जब एक खींच दी गई तो रेखा के यहाँ पे कह रहा है और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी, मानिए कि एक रेखा ऐसे दे दी हम, ठीक, वृत्त पर एक रेखा खींच दे, इसी रेखा के समानांतर दो गो और रेखा खींचना है। ठीक है, अब वो कैसी रेखा खींचेंगे भाई, कई को खींच सकते हैं ना समानांतर, लेकिन क्या होना चाहिए, यहाँ खींचेंगे वो समानांतर होगा, यहाँ समानांतर का मतलब होता है ट्रेन के पटरी जैसा, ये नहीं कि कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सामने लाइन होना चाहिए और बीच का चौड़ाई एकदम दोनों का डिफरेंस बीच का बराबर होना चाहिए। ये समानांतर नहीं है, देखिए यहाँ पतला है, यहाँ चौड़ा है, यहाँ पतला है, समानांतर का मतलब एकदम बीच का चौड़ाई बराबर। तो कह रहा है कि एक समानांतर लाइन के सामने ही एक दो लाइन और खींचना है, कैसे, ऐसा दो लाइन खींचिए कि उसमें से एक लाइन स्पर्श रेखा हो, ठीक है, एक लाइन स्पर्श टेंजेंट हो जाए यानी सट के निकल जाए। तो एकदम देखिए ये ऊपर गया है ना, तो एकदम इसी के नीचे ऐसे खींच दीजिए, बताइए दोनों पैरेलल हो गया, ठीक है। तो एक दूसरा लाइन ऐसा खींचना है स्पर्श का और दूसरी लाइन छेदक रेखा हो, दूसरी लाइन क्या होना चाहिए, छेदक रेखा होना चाहिए, तो दूसरी लाइन आप ऐसे खींच दीजिए, हो गया, बताइए कि ये छेद करके निकल गया है कि नहीं, आर पार हो गया है कि नहीं। तो यही तो कह रहा था कि यहाँ कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक क्या हो, स्पर्श रेखा हो। तो मान लीजिए कि ये था तो एक स्पर्श रेखा, अब ये लाइन कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे होगा, ये लाइन आपका यहाँ भी हो सकता है, बस इस लाइन के को समानांतर ऐसा खींचना है जो एक स्पर्श होना चाहिए और एक होना चाहिए जो छेदक रेखा होना चाहिए, और तीनों देखो तो समानांतर लाइन है कि नहीं, ये भी ट्रेन के पटरी जैसा, ये भी ट्रेन के पटरी जैसा, बीच का चौड़ाई सेम। तो हो गया इसका आंसर, यहाँ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा, इस रेखा को क्या बोलेंगे, छेदक रेखा, लिख सकते हो छेदक रेखा। ये तो बहुत आसान है, मन करे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको 10.1 बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आया होगा। और समझ में भी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाए भी तो है एक मैथमेटिक्स के सबसे जबरदस्त टीचर, वो भी अमित सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही मैजिकल ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं, तो समझ में क्यों नहीं आएगा। इस वृत्त को जो समझाएं बिल्कुल बृहद तरीके से समझाएं और डायरेक्ट आपके दिमाग में घुस गया। तो इंतजार कीजिए इनके नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद।